लोकसभा चुनाव को लेकर ग्वालियर शहर में चेकिंग अभियान जारी है। इसके तहत महराजपुरा और क्राइम ब्रांच पुलिस ने करीब 3 लाख रुपए से ज्यादा कीमत का गांजा बरामद किया है। इस गांजे को उड़ीसा राज्य से पकड़े गए तस्कर बल्लियों के नीचे छुपाकर इस ट्रक में ला रहे थे। पुलिस ने तीनों तस्करों को गिरफ्तार कर ट्रक भी जब्त कर लिया है। बरामद मशरूके की कीमत करीब 48 लाख रुपए बताई गई है। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। थाना महाराजपुरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक RJ11 नंबर का ट्रक है जिसमें बल्लियां भरी हुई हैं, उन्हीं के द्वारा अवैध रूप से गांजा का परिवहन किया जा रहा है। पुलिस ने सूचना की तस्दीक पे कार्रवाई की है, उनसे अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त हुआ है। पुलिस उसके माल की जाँच के लिए फॉरेंसिक पहुँचा रहे हैं, आरोपी गणों की PR ले रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं कि ये गांजा कहाँ से लेके आते थे और कहाँ बेचते थे। आरोपीगण आगरा के रहने वाले हैं, पुलिस अभी जांच कर रही है। इसमें कितने आरोपी बनाए हैं? इसमें करीब 30 किलो के लगभग गांजा पकड़ा गया है। 3 आरोपीगण हैं और तीनों आगरा के रहने वाले हैं।